नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने सिविल स्कोर को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी लोन नहीं लिया है, आप शुरुआत में ही अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग आइडिया है, और अगर आपने किसी भी प्रकार के लोन्स लिए हैं और आपने उस लोन की रीपेमेंट को बराबर टाइम के ऊपर नहीं पे किया है जिसके कारण आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन चला गया है, तो उसको कैसे इंक्रीज करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए भी अलग एक तरीका है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है और ये कैसे डाउन होता है आपका। तो दोस्तों, क्रेडिट स्कोर 300 से लेकर 900 तक आपका एक स्कोर माना जाता है, जिसमें से अगर आप 300 से 550 तक अगर जिसका स्कोर होता है वो लो स्कोर माना जाता है, जिसमें आपको किसी भी बैंक से लोन मिलने की जो संभावना होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही होती है, यानी कि आपको कोई भी गवर्नमेंट बैंक आपको लोन नहीं देगी। प्राइवेट अगर बैंक में आप जाते हैं तो 10% चांसेस होते हैं कि आपको लोन मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। फिर बात करते हैं कि 550 से ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के आसपास है तो वो क्रेडिट स्कोर अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है, जिसमें आपको कोई भी बैंक आसानी से आपको लोन दे सकती है और कम ब्याज में। जितना क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होता है उतना ब्याज भी बैंक कम लगाती है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर जो होता है वो आपके प्रीव्यू लोन्स के आधार पर निर्धारित होता है कि आपने जब पहले अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम टू टाइम पे किया है, आपने पहले किसी भी बैंक से लोन लिया था, उस लोन को आपने टाइम टू टाइम पे किया है, जिसके कारण आपको यानी कि आपका एक व्यवहार अच्छा बन जाता है, जिसके कारण कोई भी बैंक आपको आसानी से लोन दे देती है और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। तो क्रेडिट स्कोर डाउन होने का मतलब ये होता है कि अगर आप देखो, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी लंबी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हम डायरेक्टली उसके बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर डाउन होता है तो सबसे पहला रीजन होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे नहीं कर पाते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, उसकी लिमिट को पूरी तरह से यूज किया है और आपने 4 महीना 6 महीना या फिर 1 साल तक उस पेमेंट को नहीं किया है, तो इस केस में आपके क्रेडिट स्कोर को डाउन कर दिया जाता है। आपकी जो रिपोर्ट होती है वो सिविल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की जाती है, जिसके कारण वहां पे आपके क्रेडिट स्कोर को डाउन किया जाता है। तो सबसे बड़ा और मेन रीजन यही होता है कि आप किसी भी लोन को, किसी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को अगर आप नहीं भर पाते हैं, साल 2 साल 3 साल अगर नहीं भरते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर को डाउन कर दिया जाता है। दूसरा ये होता है कि जब आप ज्यादा संख्या में, यानी कि आपने एक से कम 5-6 बैंकों में लगातार 2-3 महीने में लगातार 5-6 बैंकों में लोन अप्लाई करते हैं, जिसके कारण भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अलग अलग वेबसाइट पे अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते हैं या बार बार वहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, अपने अप्रूवल के लिए आप ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसे डाउन कर दिया जाता है, वहाँ पे भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। अब दोस्तों, इम्प्रूव करने का भी साधारण और एक सरल तरीका यही है। दो लोग होते हैं इसमें, जैसे कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी भविष्य में अपने लोन किसी भी प्रकार से कोई लोन नहीं लिया है, तो उनको कोई भी बड़ा लोन, अनसिक्योर लोन नहीं मिल पाएगा। सिक्योर लोन तो मिल जाता है, प्राइवेट बैंक बहुत सारी है जो आपको, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी भी बहुत सारी है जो कि सिक्योर लोन दे देती है, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, ऐसे किसी भी प्रकार के जो सिक्योर लोन होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अनसिक्योर लोन जो होता है वो नहीं मिलता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर की कैटेगरी में आता है, जिसकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, अगर आप पैसे यूज करते हैं और नहीं दे पाते हैं तो बैंक आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉपर्टी पे हक नहीं जमा सकती है, मतलब ये अनसिक्योर लोन हो गया। क्रेडिट कार्ड का हो गया, पर्सनल लोन भी आपका अनसिक्योर लोन माना जाता है, क्योंकि जब आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप के आधार पर करते हैं या फिर आप अपने बिजनेस के आधार पर करते हैं, अगर आपका बिजनेस डूब जाता है तो वहाँ पे भी किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी बैंक के पास नहीं होती है, तो ये भी एक अनसिक्योर लोन माना जाता है। अब दोस्तों, फ्रेशर यानी कि जो नए व्यक्ति है उनका क्रेडिट स्कोर कम ही होता है, क्योंकि उन्होंने भविष्य में कभी भी बैंक से लोन नहीं लिया होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग को क्या करना है कि आपको शुरुआत में कोई भी बड़ा लोन नहीं मिलने वाला है,
शुरुआत में आपको छोटा ही लोन मिलने वाला है, तो आप क्या करें, अभी से शुरुआत करें। अभी से कैसे शुरुआत करनी है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने नाम पे एक मोबाइल खरीद लीजिए लोन के ऊपर, ईएमआई के ऊपर। मोबाइल खरीदने के बाद उसकी जो ईएमआई है आप रेगुलर पे कीजिए। जब आप उसकी ईएमआई पूरी पे कर देंगे, आपने 6 ईएमआई किए, 12 ईएमआई किए या फिर 24 ईएमआई, जब आपकी टोटली टाइम टू टाइम रेगुलर आपकी ईएमआई टाइम से टाइम अगर आपकी पे हो जाएगी, तो आपका जो स्कोर शुरुआत में जो 300 या 350 रहता है, वो सीधा बढ़ के आपका 550 के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 550 और 650 के आसपास चला जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको 25,000 का लोन मिला है मोबाइल खरीदने के लिए, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम जो है 50,000 के आसपास दूसरा लोन मिल सकता है। यानी कि आपने एक ईएमआई को इतनी अच्छी से भरा है, तो आपका क्रेडिट इंप्रूव हो गया। इंप्रूव होने के बाद आपको दूसरी बैंक आपको ऑफर करती है, सामने से आपको कॉल करती है और कॉल करके आपको अच्छे अच्छे ऑफर देती है। अब दोस्तों दूसरी ईएमआई और लेनी है आपको, 50,000 की ले लीजिए। 50,000 की ईएमआई लेने के बाद अगर आप उसे भी रेगुलर टाइम के ऊपर पे करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर वहां पे 650 से लेकर 750 तक चला जाएगा। यानी कि दूसरे लोन को भी आप टाइम टू टाइम क्लियर करते हैं तो 750 तक आपका क्रेडिट स्कोर चला जाएगा। अब आप 2-3 लोन ऐसे ही रेगुलर जब लेते रहते हैं, तो नॉर्मली जो लोन होते हैं जो 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होते हैं, तो आपके स्कोर को 750 तक पहुंचा देते हैं। और जिस व्यक्ति का स्कोर 750 हो जाता है, उन व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड भी बहुत आसानी से मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप अप्लाई कीजिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूवल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही, जिसका स्कोर 750 के आसपास है। अब दोस्तों ये जो फ्रेशर होते हैं वो इस तरह से अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जिन लोगों ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया है और उनका क्रेडिट स्कोर जब डाउन हो गया है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि आपने 1 या 2 क्रेडिट कार्ड, आपके पास 1-2 लोन चल रहे हैं, सारे लोन पूरी तरह से जब आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, तब तक आपके वहां पे जो लोन है वो एक्टिव दिखाएगा, तब तक आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता रहेगा। तब तक आपको वहां पे इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैसे भरने ही नहीं है, पैसे है ही नहीं, आप भर नहीं पा रहे हैं, तो आपको वहां पे इंतजार करना पड़ेगा कि आपके जितने भी लोन है राइट ऑफ हो जाए। जिस दिन आपके सारे लोन राइट ऑफ हो जाएंगे, आप पेमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद आपको किसी भी प्राइवेट बैंक से, यानी कि जितने भी लोन तो राइट ऑफ हो गए, क्रेडिट कार्ड के सब राइट ऑफ हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक किसी भी प्राइवेट बैंक से आपको एक नॉर्मली लोन लेना है, जो 10% चांस होते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। थोड़ा मुश्किल मिलेगा, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद प्राइवेट बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। छोटा सा लोन अमाउंट लेना है और उसकी ईएमआई को रेगुलर पे करना है। जब आप उस लोन को रेगुलर पे करेंगे, तो आपका व्यवहार वापस से बढ़ने लगेगा, यानी कि ज़्यादा तो इम्प्रूव नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। जब आप इस पेमेंट को बराबर टाइम टू टाइम रीपेमेंट करेंगे, तो आने वाला और दूसरा पेमेंट आप किसी भी बैंक से अप्लाई, उसी बैंक से अप्लाई करें, तो इसके आधार पे धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि समय बहुत लगेगा अगर आपने अपने क्रेडिट स्कोर को रीपेमेंट करने में, रीपेमेंट नहीं करने से आपका डाउन होता है, तो उसमें आपका इम्प्रूव करने में समय लगता है। तो और बैंक से टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप ट्रेंड रेगुलर करते रहिए। जैसे जैसे करते रहेंगे, जैसे जैसे आप बैंक के ऊपर वहाँ पे अपडेट होता रहेगा, और इसके आधार पे आपको रेगुलर जो है आपका धीरे धीरे, यानी कि जब फ्रेशर होते हैं तो उनका जो इम्प्रूव फटाफट हो जाता है, लेकिन आप एक बार अपने क्रेडिट स्कोर को रीपेमेंट करने में अगर लेट कर देते हैं, आप पेमेंट नहीं करते, जिसके कारण अगर डाउन हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो एक प्रकार से एक व्यवहार होता है जो कि आपको बनाना पड़ता है, उसी प्रकार से एक ऑनलाइन व्यवहार है जो कि आपको बनाना पड़ता है। आप रेगुलर छोटे छोटे लोन लेते लेते आप अपने इम्प्रूव, अपने जो सिविल स्कोर को है वो इस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो नमस्कार।